नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। भागवत कथा सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बड़ौदिया कला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास श्री हरिचंद्र शास्त्री ने उक्त उद्गार कही। चौथे दिवस की कथा में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, जहां टोकरी में भगवान को लेकर यजमान वासुदेव कथा स्थल लेकर पहुंचे। कथा स्थल पर मौजूद भक्तजनों ने फूल बरसा कर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। पांचवें दिन की कथा में भगवान ने मटकी फोड़ी, आकर्षक बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि बनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ी गई, उपस्थित भक्तजनों ने फूलों की बरसात करते हुए जमकर नृत्य किया। यहां बताते चलें कि बड़ौदिया कला में धामोनी सड़क पर आयोजित कुशवाहा बंधुओं में मुख्य यजमान ब्रजलाल कुशवाहा, मथुरा कुशवाहा, कमल कुशवाहा, मुन्नालाल कुशवाहा, पन्नालाल कुशवाहा एवं इनके परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया गया है, जिसमें कथा व्यास श्री हरिचंद्र शास्त्री द्वारा संगीतमय कथा का वाचन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।